गोपी कुमार पिल्ले ही इज नो मोर, ही रिवील्ड दिस फैक्ट। ये नागेश झा नहीं बोल रहा है, ये एक HEC का ऑनेस्ट डेडिकेटेड भूतपूर्व CMD का स्टेटमेंट है। थैंक यू सर। बहुत सटीक अनुभव बोलते हैं। हाँ जिंदल मैम आइए ना। अब वो CMD हाँ शुरू हो गया और वो मिथिला के आदमी आप ही को बोल रहा है, दोनों आदमी मौजूद हैं तो बात में तो बहुत ताकत है। हाँ उमेश जी आ गए, जोशी साहब आ गए, विनय जी आ गए। विनय जी आप बहुत बड़ी चीज तैयार कर रहे हैं आजकल उसमें अपनी भावना भी डाल दे रहे हैं। नहीं क्या है कि जो राममोहन जी, दिलीप जी, प्रसाद जी, ऐसे लोगों को सुनना, अपने आप में एक युग को सुनना है, तो उन बातों को लोगों तक जाना पहुंचना इसका एक अपना महत्व है। आज का टॉपिक ही ऐसा है कि कुछ तैयारी नहीं कर सकता है इसके लिए कोई खास, हर मोमेंट में चेंज हो रहा है। राममोहन सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये बहुत ही मतलब जूसी टॉपिक है, मतलब मजेदार टॉपिक है, और हर क्षण हर पल कोई न कोई घटना घटते रहे। कुछ बातें बाहर आती हैं, ज्यादातर बातें अंदर, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग तो अखबार में देखते हैं या न्यूज में सुनते हैं, डेढ़ दो दिन पुराना खबर। आज जो आप देखेंगे टेलीविजन पर या पेपर में या कहीं पर, वो दो दिन पहले हो चुका, आज क्या हो रहा है कोई नहीं जानता है। अभी तो आज तो पाकिस्तान में है पूरा रेवोल्यूशन हो रहा है, वहां पर मार काट, बांग्लादेश वाला हाल हो रहा है, सब जगह तो अमेरिका इन्वॉल्व रहता, दुनिया भर में लड़ाई झगड़ा मारपीट रेवोल्यूशन में अमेरिका इन्वॉल्व रहता है। अभी जो पाकिस्तान में हो रहा है ओनली वॉर इन द लास्ट 20 ईयर्स जिसमें कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं। और मालदीव में जो मोइजू है राष्ट्रपति वो डर गया। जो हाँ मालदीव समझे, देखिए बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर में कंट्री है, बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ होगा कुछ फर्क नहीं पड़ता दुनिया वगैरह, तो एक गांव जैसा हुआ, बड़ा गांव जैसे हम लोग का बनगांव है, 5 लाख पॉपुलेशन है जी हमारे, जो मूल बनगांव का जो पॉपुलेशन है अब लगभग 1.5-2 लाख हो गया है। पटना का पॉपुलेशन 25 लाख है, मालदीव का 5 लाख, 5 गुना पटना ही 5 गुना बड़ा, ये 5 गुना बड़ा जमशेदपुर 20-25 लाख के करीब जा रहा है, 20 लाख आदित्यपुर और मानगो उनको सब लेकर, जबकि एम्प्लॉयमेंट का टाटा मोटर टाटा स्टील में ड्रेस्टिकली घट गए, नंबर है लेकिन वो परमानेंट वाला जो है वो हो गया। हेलो हर्ष आप ज्वाइन करिए ना सर, मैं आपने दिया। अच्छा अच्छा थोड़ी देर के लिए जान कर लीजिए, आ जाइए। दिलीप सिन्हा क्यों नहीं उठा रहे, AN प्रसाद भी नहीं उठा रहे,
मैं सर एक लाइन बोल रहा हूँ, तो मालदीव में क्या हुआ लेटेस्ट कि वहाँ का जो मतलब इंडियन इक्विवेलेंट आरबीआई गवर्नर है वो अपने आप कुछ अपना ऑर्डर इशू कर दिया, उससे वहाँ का प्रेसिडेंट घबरा गया कि बिना हमसे पूछे तुम काहे अनाउंस कर दिए, मतलब उसको डर लग रहा है कि उसका भी अब कुर्सी हिल रहा है, वो मैं कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू सर। कंट्री में $5 बिलियन उसके पास है, उसको लोन रिपे करना है करीब $10 बिलियन से मिला जुला, तो समझिए कि कंट्री नेगेटिव में चल रही है और कोई मदद करने वाला है नहीं। IMF भी कुछ पैसा दिया है लेकिन 6 महीना पहले हम समझते हैं कि फरवरी मार्च में उनको वार्न कर दिया था कि आपकी इकोनॉमी जीरो पर आ रही है, उसके बाद आगे क्या करिएगा तो सोच लीजिए। मालदीव को उन्होंने कहा था कि सस्टेनेबल नहीं है आपका, जितना खर्चा है और जितना इनकम है, खर्चा ज़्यादा है इनकम कम है और ड्यूज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए IMF लोन देती है किसी एसेट्स के ऊपर, एसेट्स ही नहीं है तो लोन क्या देगी, सब्सिस्टेंस दे सकती है, डेली खर्चा जो होता है वो देगी डे के हिसाब से। और सॉरी टू शेयर नेगेटिव, सर ज्वाइन करिए ना, जेलेंस्की भी खूब पैसा कमा रहा है पर्सनली, इंडिविजुअली जेलेंस्की खूब पैसा कमा रहा है इस वार में, अपना भी पर्सनल बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, ये CIA का रिपोर्ट है सर। सब दुष्ट लोग है, पूरा दुनिया भर में दुष्ट लोग भरा हुआ, क्या क्या कर रहा है। सर आपको ख्याल पर रहा होगा कि आप उसमें पता नहीं थे कि नहीं थे, एक वेबिनार हो रहा था अपने अपने ही ग्रुप का था, तो प्रेडिक्शन चल रहा था वही 400 के पास, तो हमने कहा कि नहीं 400 के पास मतलब ये लगाते हुए कि दोनों तो झूठ बोलता है, बीजेपी भी झूठ, कांग्रेस भी झूठ, आप जिस व्यक्ति को तो हम बोले कि 350-55 हम भी वैसे इधर उधर कुछ कोई ज्ञान के आधार पर नहीं, हंस कहिए उसको फैक्ट नहीं बोलेंगे या हंस। लेकिन सर एक दिन हम AI का सुन रहे थे, आप तो पूरा जन, AI ने प्रिडिक्ट कर दिया था बहुत पहले कि 305 से 315 तक होगा, ये जैसे हमने सुना कि ये बोल रहा है 300 AI 305 से 15, तो हमको लगा कि जो आपसे क्लैरिफाई और यहाँ जितने सब एक से एक हैं और आप तो पूरी दुनिया को देखे हुए हैं, हमको लगा कि AI वॉज वर्किंग टू समवन दैट आई डू नॉट नो, could be many people, since last several months or year भी कह सकते हैं, एक डेढ़ साल से वो जरूर एक्शन में था, तब इतना करीब के नजदीक पहुंचना 305 राघवन साहब के आशीर्वाद से बहुत कटु सर के बोल रहा हूँ, हाँ अमेरिका का बस चले तो वो इंडिया को निगल जाए, वो कुछ उसका बस ही नहीं चल रहा है, तो अभी अपने देश के पीछे जो अमेरिका लगा हुआ है और यूरोप लगा हुआ है वो
परोक्ष रूप से लगा हुआ है। राहुल गांधी फेलियर, केजरीवाल को चुना, केजरीवाल फेल कर गया, अब वो एक अलग मुल्ला खोज रहा है। वो तो उसका काम ही है इंडिया को बर्बाद करना। तो आप जो कह रहे हैं, जो ये जो फेलियर हुआ है, ये एक्सटर्नल एजेंसी का जो आई एम सॉरी टू शेयर जो रॉन्ग नैरेटिव जो चलाया गया और वही रॉन्ग नैरेटिव कारण था उसको बीजेपी काउंटर नहीं कर पाई। ये बहुत मतलब क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है। अभी जो यूपी के मुख्यमंत्री जो अपना दे दिए हैं, पटोगे तो कटोगे, एक हो गए तो नेक हो गए, इससे विपक्ष वाले पर्टिकुलरली राहुल गांधी इंटरनेशनल एजेंसी का हालत खराब है। इस नैरेटिव का काउंटर क्या करें? तो यहाँ पर जो गरीब जनता है, जो लोअर स्ट्राटा का है, वो लोग नैरेटिव पर ही चलते हैं सर। थैंक यू। उन लोगों को छोड़ दीजिए, हम लोग नैरेटिव भी जानते हैं और उसका हिंदी कथन भी जानते हैं। हम लोग नैरेटिव बोल रहे हैं, कथन नहीं बोल रहे हैं हिंदी में बोलते वक्त में। और ये भाषा गांव में पहुंच गई है, जिसको एक कुछ नैरेटिव भाग गई, नैरेटिव भाग गई। हमने नैरेटिव किए थे तो अब देखिए, हम लोग कुछ कथन नहीं बोल रहे हैं। कथन बोलने से क्या होगा, ये सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, लोगों की समझ में आ जाएगा। बट द राइट पीपल they are coining their own terms as we do in management, and that's becoming the public language without understanding. अब क्या डॉक्टर विद्यानाथ झा जी आ गए हैं और हम लोग अब शुरू करें? नागेश झा जी अपना प्रार्थना शुरू करें और शुरू किया जाए। विनोद जिंदल भी आई थी, चली गई। हाँ, 7:22 हो गया। ओ गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। मैंने रिसोर्स पर्सन और श्रोतागण के जो गुरु तत्व है, नाभि चक्र में स्थित है, उसको जागृत कर दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा प्रसाद ये शुरू करें, क्या नाम है, अब राम मोहन साहब अपना शुरू करें। जी वैसे तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन कभी जब भी ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है इंडिया रिलेशंस विद रशिया एंड यूक्रेन, बस पूछिए कि ये एक आज ऐसा ही समझा जाएगा कि इंडिया रिलेशन विद द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया रशिया और यूक्रेन के ट्रायंगल में बहुत कुछ इसके पीछे है। इसके पीछे अमेरिका है, चाइना है, अरब वर्ल्ड है, इकोनॉमी है, नेटो है, नेटो के हिसाब से और भी 16 कंट्री और हैं। तो ये एक तरह से पूरा वर्ल्ड का कॉन्फ्लिक्ट है। फिलहाल एक इसमें से एक भी नेटो कंट्री नहीं है, लेकिन तब भी नेटो इन्वॉल्व है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है
जो यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता था, ऑलमोस्ट इन प्रॉक्सी ज्वाइन कर चुका है, जो उनके ओरिजिनल फाउंडेशन ऑफ द कंट्री जो 92 में यूक्रेन बना था सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, उसमें एक कंडीशन थी कि जितने भी 16 अलग अलग राज्य होंगे सोवियत यूनियन यूएसएसआर के, वो बाहर के किसी मिलिट्री जनता में नहीं जाएंगे, मिलिट्री अलायंस में नहीं जाएंगे, इंक्लूडिंग नेटो। तो दो साल पहले यूक्रेन को बहुत चढ़ाया गया कि आप तो बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है, आपके बिना तो रशिया का काम चल ही नहीं सकता है, तो यू शुड गेट इंडिपेंडेंट ऑफ रशिया। इंडिपेंडेंट ऑफ रशिया का मतलब कि ये जो क्लॉज था आपके फाउंडेशन ऑफ द कंट्री में कि आप नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे, उसको आप पर कंपल्सन नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। रशिया ने देखा, पहले बहुत वार्न किया, करीब एक साल से वार्न कर रहा था कि आप बहुत ज़्यादा यूक्रेन को भी बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, हमारे सेंट्रल आइडिया 92 तक था, उसके बाहर हम आपको कैप्चर करेंगे। 10 साल पहले रशिया ने कुछ एरिया जहाँ पर सिर्फ रशियन बोला जाता था, क्रिमिया जिसको कहते हैं, ब्लैक सी के नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में है क्रिमिया, उसको कैप्चर कर लिया था। दुनिया भर में हल्ला हुआ, लेकिन 6-7 महीने या साल भर में वो शांति हो गई, क्योंकि सब लोग को इनेविटेबल था कि रशियंस लिविंग इन अनदर कंट्री हैव टू द राइट टू स्पीक देयर ओन लैंग्वेज एंड बी एंड एन्जॉय देयर ओन सिविलाइजेशन, जो पिछले 1000 साल से था रशिया। लेकिन बाइफर्केशन जब हुआ था रशिया और यूक्रेन में, तो आर्बिट्ररी लाइन बन गया था, जैसे कि हमारा चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है उसी तरह का। तो क्रिमिया वॉर हुआ, बहुत लोग नाराज हुए वेस्ट के लोग कि रशिया ने कैप्चर कर लिया है, लेकिन धीरे धीरे 2-3 साल में वो ठंडा हो गया। अब कोविड आया बीच में, तो सब लोग एकदम भूल गए कि रशिया ने करीब 1/5 ऑफ यूक्रेन को कैप्चर कर लिया था, 17-20%। इसके बाद फिर 2 साल पहले हमको याद है, जस्ट फरवरी लास्ट ईयर शुरू हुआ, मतलब कि 2 साल हो रहा है, लोग अंदाज नहीं कर सकते थे कि इतना चलेगा रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई। असल में ये लड़ाई जो है सो रशिया और अमेरिका के बीच में है। अमेरिका का यहाँ पर नाम नेटो अलायंस है, रशिया का नाम है ओरिजिनल रशिया। इस पे लड़ाई चल रही है, बहुत बहुत मुश्किल है। देखिए तो यूक्रेन और रशिया में, हम तो 2 बार यूक्रेन गए हुए हैं अपने लाइफ में, कोई डिफरेंस नहीं है, एक लैंग्वेज है, 2-4 वर्ड नया नया है, पोलिश वर्ड, हंगेरियन वर्ड। यूक्रेन में, यूक्रेन का 90% लैंग्वेज जो है सो रशियन है, जैसे कि बिहार में भी हम लोग तरह तरह की बिहारी भाषा बोलते हैं, मैथिल से लेके भोजपुरी से लेके बहुत नुआंसेस है, वैसे ही रशिया यूक्रेन के लैंग्वेज में नुआंस है, कल्चर में नुआंस है। और पिछले 1000 साल से यूक्रेन जो था सो रशिया का ग्रेनरी था, एग्रीकल्चर सबसे अच्छा जो है सक्सेसफुल एग्रीकल्चर यूक्रेन ही था। और स्टालिन जो रशिया को प्रेजेंट सोवियत यूनियन है, उसके बाद रशिया को उसने कंसोलिडेट किया, एक कंट्री बनाया, एक एंटिटी बनाया, एक वर्ल्ड का एक कॉर्नर बनाया, उसमें यूक्रेन का बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें कि एग्रीकल्चर दैट मींस राइस एंड वीट ज़्यादा, एंड इंजन मैन्युफैक्चरिंग, जितने हवाई जहाज जो बने अमेरिका रूस के, या जितनी गाड़ियाँ जितने बोट्स बने, सबका इंजन का मैन्युफैक्चर यूक्रेन में ही होता था 80%।
और स्टालिन के टाइम में उसने यूक्रेन पर बहुत फोकस किया कि रशिया से वार्मर जगह है, रशिया में साल में 5 महीने जबरदस्त ठंड पड़ती है और 3 महीने तो इनएक्टिव हो जाता है इंडस्ट्री नवंबर से फरवरी तक, और यूक्रेन में विंटर जो है सो 2 महीने का है, 15 दिसंबर से 15 फरवरी का। यूक्रेन क्लाइमेटिकली बेटर सूटेड था इंडस्ट्री के लिए, तो सबसे पहले इंजन मैन्युफैक्चर, वीट ग्रोथ और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का यूक्रेन बन गया मेन हब। समझिए कि उसका ग्रेन का और मशीन्स का सोर्स बन गया सोवियत यूनियन का। तो जब 1990 पिछले 32 साल पहले जो सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ तो बहुत सारे कंट्री, सबसे बड़ा जो कॉमनवेल्थ उस रशियन जो ब्रेकअप हुआ था, कजाकिस्तान है, ऑलमोस्ट इंडिया के साइज का है, इंडिया के चाइना के नॉर्थ में स्टेट है, सेकंड है यूक्रेन। लोग इनिशियली बहुत सारे स्टेट्स में, 8-9 स्टेट्स में देवर हैप्पी कि हम लोग ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट रिजीम से अलग हुए हैं, सो वी विल फॉलो ए मॉडरेट कम्युनिस्ट लाइन। यूक्रेन ने शुरू किया था कि वी विल बी मॉडरेट कम्युनिस्ट फॉलोइंग सेम पॉलिसीज ऑफ सोवियत यूनियन इन आर ओन लोकल वे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा चार नए नेशंस थे उनको दे वॉन्टेड टू बी द वेस्ट, कि हम लोगों को बैकवर्ड कम्युनिस्ट शासन रहा 50-60 साल से, अब हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे। तो लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, छोटे छोटे कंट्री हैं, मतलब ईच वन अबाउट हाफ द साइज ऑफ बिहार, 3 कंट्री है और एक बड़ा कंट्री यूक्रेन। इन चारों ने डिफाई कर दिया कि हम लोग वी विल मॉडर्नाइज आवरसेल्व्स, वी विल सडनली चेंज टू द कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उनका मॉडल था एज इंजीनियर्ड एंड टॉट बाय सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने स्पेशल कैंप्स खोले, पॉलिटिकल कैंप्स यूक्रेन और कीव में, यहाँ पर सिखलाया जाता था कि आपका जो कम्युनिज्म है अब रशिया से डोमिनेटेड हैं, भले ही मॉडर्न हो जाइएगा लेकिन इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, तो रशियन डोमिनेशन से हटना पड़ेगा आपको। ये CIA का ओरिजिनल प्लान था जो करीब ईयर 2000 से स्ट्रॉन्गली स्टार्ट हुआ, तो 2022 में 21-22 साल लगा यूक्रेन में 8 गवर्नमेंट बदले, इस 92 से आज तक 8 या 9वां प्रेसिडेंट है यूक्रेन का भी, जिसमें से 5 जो थे सो कूस थे, एक ऐसा ही कोई निकल गया पॉलिटिक्स में, अपने आप को लीडर बना लिया, अपने को अनाउंस कर दिया प्रेसिडेंट, सब लोग पैसा खाया अमेरिका से, खूब करप्शन हुआ, धीरे धीरे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी पूरे यूक्रेन को अपने कंट्रोल में ले लिया। ये अभी जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये बेचारे जो हैं, इनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस पिछले 4 साल से हुआ था, उसके पहले ये बी ग्रेड एक्टर थे यूक्रेनियन फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री में, कॉमेडियन। तो उसको CIA ने उसको चुना, इसलिए चुना कि इनकी बीवी बड़ी खूबसूरत है, बहुत एक्सेप्टेबल है यूक्रेनियन पॉपुलेशन, तो उसको प्रेसिडेंट बना देगा। कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कोई पार्लियामेंट ने किसी ने सजेस्ट नहीं किया, सडनली एक दिन खबर आई, डेट हमें याद नहीं है, कि ज़ेलेंस्की है सो यूक्रेन के नए प्रेसिडेंट। उसके बाद आवाज़ उसकी होती है, दिमाग CIA का होता है, या अमेरिकन डीप स्टेट, या अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी, या अमेरिकन
स्टेट डिपार्टमेंट का, एक समझिए कि एक तरह से उनका तोता है। ये लड़ाई रशिया से शुरू हुई फरवरी 2 साल पहले, ये इसका पर्पस कुछ नहीं था, कोई ऐसा आइटम हो जिससे कि यूक्रेन कहे कि बहुत ज़्यादा हमारे साथ ज्यादती हो गई, या कुछ कोई नया पॉइंट, कोई नया डिफरेंस, कोई बॉर्डर का झंझट, ये सब कुछ नहीं था उसमें। उस समय पता चला 2 साल पहले यूक्रेन की जो ओरिजिनल यूक्रेनियन पॉपुलेशन का करीब 58% रशिया में रहता था, 42% उनके अपने थे, और रशियंस जो थे यूक्रेन में करीब 40% थे, मतलब एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है। जैसे कि बिहार से एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट ऑफ बिहार में भोजपुरी लैंग्वेज है, गंगा के उस पार छपरा है, साउथ में आरा है, इन दोनों में अगर कहे कि आप हम कि हमारा लैंग्वेज अलग है, हम लोग 2 आदमी हैं, हम लोग कुछ एक दूसरे पर लड़ाई करेंगे, आप हमें सताइए नहीं, तो ये अगर बिहार का सिचुएशन समझिए कि अगर छपरा और आरा में लड़ाई हो जाए तो दूसरे लोग, पटना के लोग या भागलपुर के लोग क्या करेंगे। तो वही हाल है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, सेम पीपल, इंटरमिक्स पॉपुलेशन, रशियंस आर देयर इन यूक्रेन, यूक्रेनियंस आर देयर इन रशिया, सब लोग रशियन बोलते हैं, सब लोगों का एक ही कल्चर है, सब लोग रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि यूक्रेन को भी बहुत शर्म आती है कहने पर कि हमारा रिलीजन जो है सो यूक्रेनियन सॉरी रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो ये यूक्रेन और रशिया का सक्सेस स्टोरी है CIA का, बहुत जगह उन्होंने किया था, इराक में किया था, लीबिया में किया था, साउथ अमेरिका में तो बहुत जगह किया, अर्जेंटीना, चिले, ब्राज़ील एंड पेरू में। तो यही लड़ाई चलती रहेगी, ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक यूक्रेन ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि रशिया को ख़त्म होने का कोई चांस नहीं। रशिया वर्ल्ड का 1/5 एरिया है उसके पास, बहुत बड़ा है, इंडिया से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना के 3 गुना तो अमेरिका है, ये तो 5 गुना बड़ा है अभी भी सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, और यूक्रेन है सो इंडिया का 1/4 साइज है। तो ये डेविड एंड गोलायथ की लड़ाई है रशिया और यूक्रेन की, जिसका कोई अंत नहीं है। पॉलिटिकली कहा जा सकता है कि रशिया में एक डिक्टेटरशिप चलता है पुतिन का, अच्छा है या बुरा है कौन जानता है, लेकिन रशियन लोग पुतिन से खुश हैं, सब लोग को नहीं कह सकते हैं, लेकिन 80% रशियंस आर वेरी हैप्पी विद पुतिन, जैसा भी अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी हो। लेकिन यूक्रेन में ओनली 10% ऑफ द पीपल लाइक ज़ेलेंस्की, बट उनके पास कोई चॉइस नहीं है, इसीलिए ये लड़ाई होती जा रही है। लड़ाई अब कॉन्सेंट्रेट कर गया है बिटवीन पर्सनैलिटीज ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच। लड़ाई तो आप लोग सब लोग देखते ही होंगे टेलीविजन पर, क्या क्या नहीं कहता है सब, आधा झूठ आधा प्रोपेगेंडा, जितने आदमी मर गए इतना एरिया ऑक्यूपाई किया है। अभी रिसेंटली पता चला कि यूक्रेन ने 1,090 स्क्वायर किलोमीटर रशिया से कैप्चर कर लिया है, अपना ही एरिया जो पहले था, 1,040 स्क्वायर किलोमीटर कुछ नहीं हुआ, 35 किलोमीटर बाय 35 किलोमीटर, जहाँ पर भी कंट्री जो है सो 1,500 किलोमीटर बाय 1,500 किलोमीटर है, उसमें 35 किलोमीटर बाय 35 किलोमीटर कैप्चर कर लिया है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इसके पहले अभी भी रशिया के हाथ में 75,000 स्क्वायर किलोमीटर यूक्रेन का दबाए हुए, तो बिग ब्रदर एटीट्यूड है, कुछ बात नहीं सुनता है, बोलता है कि हम लोग में कोई डिफरेंस नहीं है तो लड़ाई क्यों कर रहे हैं। क्या यूक्रेन, रशिया बार बार यूक्रेन को कहता है कि नेटो का ड्रीम छोड़ दो जो ओरिजिनल तुम्हारे
कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना था तो लिखा हुआ था कि वी विल नॉट ज्वाइन नेटो, तो हम लोग फिर से वापस चले आएंगे सेम कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ ओल्ड फ्रेंडली कंट्री। तो रशिया और यूक्रेन के वॉर में एंड रिजल्ट या प्रेजेंट कंडीशंस या फैक्टर्स ओरिजिनेट और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का कुछ पता नहीं। दीज आर ऑल थ्योरेटिकल थिंग्स। द वॉर इज बिटवीन द अमेरिकन्स, आई वुड नॉट से द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका बट द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी विच रन्स नेटो ऑल्सो एंड वन सिंगल मैन वन मैन शो ऑफ पुटिन इन रशिया। नॉर्मली ग्रुप के अगेंस्ट में इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करते हैं, एक तरफ 50 आदमी है दूसरी तरफ से पुटिन है तो कितना दिन सर्वाइव करेंगे पता नहीं। अल्टीमेटली तो दोनों के दोनों तरफ कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला, क्योंकि एक फैमिली के अंदर में लड़ाई होती है, बाहर के लोग देखते रहते हैं, अंत में वो फैमिली है जो नया रूप ले लेती है लेकिन फैमिली वही रहती है। ये रशिया यूक्रेन विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट। हम लोग बस देखते रहेंगे। मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारे हिसाब से तो उनको कोशिश नहीं करना चाहिए था। बहुत लोग कह रहे थे कि इंडिया इन लोगों में सुलह करा देगी, लेकिन सुलह इंडिया दो दूर के देशों में सुलह कैसे करा सकते जब उनका बेसिक कंटेंशन आइडियोलॉजी पर है। इट इज नॉट सोल्जर्स की लड़ाई नहीं है वहाँ पर, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। यूक्रेन चाहता है कि हम पुराने सोवियत यूनियन का छाया हमसे हट जाए, रशिया बोलता है कि हम तो उसी छाया के हम लोग सब लोग बंदे हैं, वो तो छाया रहेगा ही। जैसे हिंदुस्तान को चाणक्य चेस करता है, हमारे हिंदू राष्ट्र चेस करता है, हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, वैसे ही रशिया भी कहता है कि यूक्रेन तुम कहाँ जा रहे हो, तुम लोग तो हमारे पार्ट हो, तुम्हारे हमारी फैमिली को अभी नाराज हो ठीक है अपना नाराजगी रखो, हम लोग फिर भी ट्रेड करेंगे, एग्रीकल्चर साथ करेंगे, एजुकेशन साथ करेंगे। अभी भी देखिए यूक्रेन में ऑल टुगेदर टीचर्स जो हैं 62,000 नॉमन क्लेचर टीचर हैं, मतलब कि एक सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट जैसे बिहार स्टेट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है। मॉस्को के यूक्रेन के जो टीचर यूनिवर्सिटी के टीचर या प्रोफेसर जो होते हैं वो कीव में नहीं अपॉइंट होते हैं, अभी भी मॉस्को में ही अपॉइंट होते हैं। इतना इंटीग्रेटेड कंट्री होने के बाद भी अब झगड़ रहे हैं, झगड़ते रहें, सोल्यूशन तो कोई साइड थोड़ा दिन कुछ दिन तक जम जाए, लेकिन जब तक अमेरिकन डिसाइड नहीं करेंगे कि लड़ाई बंद करनी है तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। ज़ेलेंस्की उनको मिल गया है कि अनएडुकेटेड आदमी है, ड्रामा बहुत अच्छा करता है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, स्पीच अच्छा देता है, लेकिन जिंदगी के उसमें 90% टाइम तो फिल्मों में एक्स्ट्रा, उसके बाद कॉमेडियन, उसके बाद हीरो तक नहीं बना था किसी सिनेमा का या टीवी सीरियल का, उसको प्रेसिडेंट बना दिया है। तो क्या कहें, आज रशिया इंडिया का क्या रोल है, बहाना मिल सकता है यूक्रेन को कि इंडिया के कहने पर देखो दोषी तो रशिया ही है, यदि हम लोग अच्छा एटीट्यूड वापस आ जाए तो हम लोग कुछ देर के लिए स्टेलमेट कर सकते हैं। सुलह नहीं होगा, सुलह होता है कि जब क्लियर डिस्टिंक्शन हो जाता है कि हाँ दोनों कंट्री अलग अलग चीज पर अग्री कर गए, स्टेलमेट हो जाए इसी के लिए मोदी जी ट्राई कर रहे हैं, प्रोबेबली सक्सीड कर जाएंगे। दोनों को जरूरत है, पुतिन को भी जरूरत है और यूक्रेन को भी जरूरत है। जो ओरिजिनली जो लोग सोचते थे कि ये इस लड़ाई से रशिया की इकॉनमी एकदम खत्म हो जाएगी, सब सैंक्शन लग गया है, अनफॉर्चुनेटली रशिया की इकॉनमी करीब 20% पर ईयर से बढ़ रहा है,
कर्टसी इंडिया, इंडिया जितना ऑयल ले रहा है रशिया से, रशिया की इकोनॉमी को सस्टेन कर रहा है। जो लोग अमेरिकन समझते थे कि लड़ाई होगी या रशिया पर सैंक्शंस लगेगा, तो ईरान के जैसा 5-4 साल में रशिया एकदम क्रम्बल डाउन कर जाएगा, ये उल्टा हो गया। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ रशिया में है, तो ये अमेरिकन फॉली हुआ। तो कंडीशन यहीं पर है, देखिए भगवान करे कि लोग सुलह हो जाए। क्योंकि अभी हिंदुस्तानी लड़के वहाँ करीब 25,000 स्टूडेंट्स थे, उसमें से सुनना है कि 16,000 वापस चला गया उस पर। अब क्यों गया है? क्योंकि यहाँ कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ, तो फिर वहाँ हंगरी, रोमानिया और पोलैंड के थ्रू वापस यूक्रेन के वेस्ट में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए फिर चले गए हैं वहाँ पर इंडियन बच्चे। तो आप लोगों को किसी को आइडिया हो, या हमारे फॉरेन सर्विस वालों को किसी को आइडिया हो, कोई नहीं बता सकता है कि ये लड़ाई क्यों हुई और कब तक चलेगी। महाभारत जो हुआ था हिंदुस्तान में तो पता था, बात तो थी बहुत छोटी सी, 5 सुई जमीन की बात थी। पांडवों को इतना ही गलतियां की थी तो उनको मान जाना चाहिए था। तो दुर्योधन ने कहा था कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ हार चुके हैं आप, तो पांडव ने नहीं माना, इसीलिए लड़ाई हुई। यहाँ पर भी वही बात, एथिक्स ऑफ वॉर, एथिक्स ऑफ महाभारत पांडव के फेवर में नहीं है। कैरेक्टर्स इवल थे कौरव में, लेकिन एथिक्स ऑफ द वॉर में कौरव हैड, उन लोगों ने लड़ाई जीती थी शुरू में। जो कृष्ण भगवान थे वो नहीं माने, या पांडव नहीं माने, तो लड़ाई हुई। तो वही हाल है यहाँ पर रशिया और यूक्रेन में। जैसे रशिया यूक्रेन में, यूक्रेन नहीं जीत सकता है रशिया से। जो मदर रशिया इज द 20th century मदर ऑफ यूक्रेन। 500 साल पहले क्या था तो दूसरी बात है, पिछले 150 साल से इट वॉज अ प्रोविंस ऑफ रशिया, इट कैनॉट बी इंडिपेंडेंट। सब कुछ नहीं छोड़ सकता है, लैंग्वेज नहीं छोड़ सकता है, फैमिली नहीं छोड़ सकता है, किताब जो पढ़ाया जाता है अभी यूक्रेन में सब रशियन में लिखा हुआ है, ये रशिया का प्रोड्यूस्ड है। जैसे कि पाकिस्तान में भी आजकल सुने कि मेडिकल कॉलेज का जितना किताब है, तो इंडिया का चोरी करके जितना किताब सब है, सबको फोटोकॉपी करके पाकिस्तान में बिकता है, या वहाँ से दुबई से खरीद कर लाता है। वैसे ही हाल, तो मीनिंगलेस वॉर है। उसमें आदमी लोग पता नहीं 11,000 आदमी सुनते कि मर चुका है यूक्रेन रशिया मिला के, कौन कितना लड़ाई में कौन कितना मरता है कोई बतलाता नहीं है। चल रहा है रशियन अमेरिकन इलेक्शंस जो है, इसमें कुछ डिसाइड होगा, क्योंकि ये CIA जो है पार्ट ऑफ द डीप स्टेट है। डीप स्टेट का मतलब होता है कि इंडस्ट्रियल डिफेंस इकोनॉमी, चेज मैनहट्टन ग्रुप, मतलब जूविश लॉबी ऑफ अमेरिका, वॉल स्ट्रीट जॉइंट, मतलब कि अमेरिकन इकोनॉमी, इसके बहुत सारे लीडर्स जो हैं, सब नहीं लेकिन बहुत सारे लीडर्स जो हैं, एक उनमें बहुत नामी है सोरोस, इसराइल उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उन लोग डिसाइड करते हैं कि अमेरिका को किससे लड़ाई करनी है, किससे दोस्ती करनी है। ये जब इस इलेक्शन में डेमोक्रेटिक, इस बार जो डीप स्टेट है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट कर रही है। सरप्राइजिंग, बहुत सरप्राइजिंग कि डीप स्टेट है, कभी ले औरतों को भाव नहीं दिया है। अब पिछले 40 साल की हिस्ट्री में दे थिंक दैट वुमेन कैनॉट रूल। उन्होंने शायद हिलरी क्लिंटन को भी नहीं जीतने दिया था, इसीलिए ऑल्दो CIA और डीप स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करती थी, लेकिन उनके
इथोस में वुमन हेड ऑफ स्टेट, वुमन लीडर इज नॉट एक्सेप्टेबल। इस बार ये कमला हैरिस जो है, पलरा उनका ही भारी लगता है, भले हिंदुस्तानियों के लिए ट्रंप अच्छा होता, देखें कौन जीतता है। इसमें अगर डेमोक्रेटिक पार्टी अगर जीत जाती है तो ये लड़ाई चलती रहेगी, थोड़ा थोड़ा करके चलती रहेगी। अगर ये रिपब्लिकन जीता जो राइटिस्ट है तो शायद कुछ नून पीस, मतलब कि दोनों तरफ से गिव एंड टेक करके लड़ाई खत्म हो जाए। कमला हैरिस जीतेंगी तो इट विल बी अमेरिका हु विल विन। अगर ट्रंप जीतेगा उसमें बोथ साइड्स विल विन फॉर द पब्लिक फॉर द वर्ल्ड। लड़ाई का यही सिचुएशन है। आप लोग सब लोग देखते ही होंगे कि कोई क्लियर वर्डिक्ट नहीं आता है। कभी जैसे अखबार में कभी कभी आता था वो जीत रहे हैं, उसने चढ़ाई कर दी उस पर, इतने आदमी मरे, इतना किलोमीटर आगे गया, धीरे धीरे वहाँ पर वो शहर गिरा, कैपिटल गिरा, ये सब दोनों तरफ से बराबर खबर आ रही है। लेकिन डैमेज कोई खास नहीं हुआ है, ना यूक्रेन में हुआ है ना रशिया में हुआ है। वॉर ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा है, 10 times द एक्चुअल डिस्टर्बेंस, लेकिन तब भी 11,000 आदमी मर गए हैं। सब तो सुने हैं उसमें कि 7,500-8,000 यूक्रेन के और 2-3,000 रशिया के, और मर गए हैं या डिस्प्लेस हो गए हैं या क्या हुआ है कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ 11,000 पीपल आर नॉट लिस्टेड बिटवीन द टू कंट्रीज। उसमें से 4,000 ऐसे हैं जो डुअल नेशनैलिटी वाले हैं, यूक्रेन और रशियन दोनों नेशनैलिटी। उसमें क्या कहा जाएगा कौन किससे लड़ रहा है। एक आदमी है जिसको कि 2 passports जैसे होता है, अब उस दो कंट्री लड़ जाए और दो लड़ जाए और खुद अगर मर जाए तो किस कंट्री का मरा होगा, तो दोनों कंट्री में मरेगा वो। जैसे हिंदुस्तान में भी बहुत लोग, इंडिया में तो 2 passports अलाउड नहीं है, एक पॉलिटिकली बहुत अलाउड है, उसमें 3-4 आदमी एक लीडर है उसको 3-4 passports, उसके बाद अगर वो मर जाए तो कौन कंट्री दुखी मनाएगा, इंडिया मनाएगा, कोलंबिया मनाएगा, इटली मनाएगा या ब्रिटेन मनाएगा, कोई नहीं जानता। वही लड़ाई है, सेंसलेस लड़ाई है। इस 20th जैसे मोदी जी ने ठीक कहा था कि दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर, लड़ाई नहीं हो सकती। आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ते रहिए, इकोनॉमिक लड़ाई लड़ते रहिए, जैसे इंडिया चाइना लड़ रही है या वेस्ट एंड चाइना लड़ रहा है। क्योंकि एक चीज है, भले ही मेरे बच्चे अमेरिका में रहते हैं, हम भी अमेरिका ही जाते रहते हैं, अमेरिका ने कभी किसी का भला नहीं किया। जितने दुनिया, हम तो इराक में रहे हैं जिस समय की ईरान इराक वॉर था, अर्जेंटीना में थे उस समय कू हो गया, वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हट के नई गवर्नमेंट आ गई मिलिट्री गवर्नमेंट, चिले में गए थे वहाँ भी वही हुआ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटा के फिर राइटिस्ट गवर्नमेंट CIA ने बनाया। तो ऐसा ही चल रहा है, तो दिस इज अनदर वॉर फॉर सुप्रीमेसी अमेरिका का। लेकिन सितारा जरा सा डाउन है, क्योंकि इंडिया अमेरिका, इंडिया चाइना अमेरिका के रिलेशंस के बारे में मुझ कुछ कहना चाहेंगे, जो कुछ लोग उसको बिलीव करते हैं कुछ लोग नहीं बिलीव करते हैं। जैसे इंडिया और चाइना ने अगर इंडिया पर अटैक कर दिया, जो चांस है, अमेरिका विल नॉट कम टू द एड ऑफ इंडिया, ये डेफिनेट बात है। ये 1971 में भी दिखलाया गया था। लेकिन अमेरिका चाहता है कि अमेरिका और चीन की लड़ाई हो तो इंडिया मिलिटरली अमेरिका को सपोर्ट करे। कंडीशन इज नॉट इन रिवर्स, कि इंडिया चाइना की लड़ाई हो तो उसमें अमेरिका इंडिया को हेल्प नहीं करे। तो उनका ये डबल टॉक होता है। दे आर वर्ल्ड आजकल अमेरिकन पॉलिटिक्स के हिसाब से ही चलती है, लेकिन कब तक चलेगा ऐसा समझ में। बांग्लादेश में उन्होंने किया,
अपने भुगत रहे हैं। अमेरिकन्स ने वहाँ पर सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए सत्ता गिरा दी, अब करेंगे क्या समझ, न आइलैंड मिला न सपोर्टिव देश मिला, दोनों दोनों तीर से गए। रशिया यूक्रेन की लड़ाई भी यही मूछ की लड़ाई है। रशिया कहता है कि हमको चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन मेरा पावर वही रहेगा। अमेरिका बार बार 50 बार ट्राई कर चुका है कैसे रशिया को डिफीट कर दे, असर उल्टा ही हो रहा है। इसलिए अनएंडिंग वॉर है। आप लोग अखबार पढ़ते हैं, सब लोग का अपना अपना आइडिया होगा, कुछ लोग प्रो रशियन होंगे, कुछ लोग प्रो अमेरिकन होंगे इसमें, क्योंकि अमेरिका और रशिया की लड़ाई में यूक्रेन तो एक नाम है, एक झंडा है, चल रहा है। लेकिन अमेरिका जो सक्सेस चाहता था उसका 10% भी नहीं मिला है और न मिलेगा। इसलिए अमेरिका हम समझते हैं कि अगले 6-7 महीने में यूक्रेन के थ्रू वाइट झंडा दिखा देगा, चलो लड़ाई हो गया बहुत, चलो फिर दूसरी कर ले, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाया अमेरिका। जो तो 2 साल पहले था यूक्रेन के मामले में, आज भी वही। रशिया भी जो 2 साल पहले था, आज भी वही है। यूक्रेन जो 2 साल था उसके 100 times नीचे चला गया। They have ruined Ukraine in the philosophy of their own. हमको तो इतना ही कहना था कि सिचुएशन तो रोज डेली हर घंटे हर मिनट बदलता रहता है। अभी आज शाम की न्यूज है कि अगर यूक्रेन वाला में कुछ सक्सेस हुआ तो मोदी जी को नोबेल प्राइज मिलेगा। अगर मोदी जी रशिया और यूक्रेन के बीच में बीच बिचाव कर रहे हैं नोबेल प्राइज पाने के लिए, तो हमारे हिसाब से गलत हो, उनको नहीं मिलना चाहिए नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मिलना चाहिए तो वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, जो फैमिलीज हैं। देखिए यूक्रेन के करीब 40% फैमिलीज जो हैं इमीडिएट फैमिली, दैट मीन्स ब्रदर्स सिस्टर्स एंड देयर इमीडिएट फैमिलीज आर इंटरचेंजेबल। रशिया और यूक्रेन, रशियंस आर मैरिड इन टू यूक्रेन एंड यूक्रेनियंस आर मैरिड इन टू रशिया। वैसे ही देखिए तो किस्सा किताब किस्सा कहानी सब पता हो पर चलते रहेगा। कमला हैरिस की जीतने के चांस 51% हैं, ट्रंप का 49% है। अभी अब आगे क्या होता है, अगर कमला हैरिस जीती तो इसका मतलब कि CIA डीप स्टेट जीता, तो ये यूक्रेन और रशिया का ये लड़ाई कहिए या मारकाट कहिए या आइडियाज का डिफरेंस कहिए, ये चलता रहेगा। अगर कमला हैरिस हार जाती हैं तो शायद कुछ वाइट फ्लैग उठ जाएगा, मतलब कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी यूक्रेन और अमेरिका के बीच, यूक्रेन और रशिया के बीच। मेरा आइडिया यही है। आप लोग सब लोग, हमारा कोई बहुत अलग से कोई नया विचार नहीं है, जो अखबार में हम पढ़ते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, दोस्तों से सुनते हैं, फॉरेन सर्विस डिप्लोमेट्स लोग से, कोलीग से बात करते हैं, उसमें भी बहुत सारे डिवाइडेड ओपिनियन हैं। तो सारांश मैंने आपको यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। बहुत अच्छा। हमारे ये काल चेट्टी साहब ये साहब यजदा से आ गए हैं, और अभय कृष्णन साहब हैं, गिंडल साहब हैं, सब कोई विद्यानाथ जी भी हैं, बहुत सारे विद्वान लोग जुड़ गए हैं, नागेश झा जी भी हैं, चंद्रेश्वर खान साहब हैं। तो अब ये प्रश्न आता है राममोहन साहब कि ये अमेरिका किस तरह से यूक्रेन और रशिया को लड़ा रहा है, किस तरह से उसने क्या बीज बोया है जिससे कि ये दोनों एक ही कंट्री के लोग आपस में टूट करके एक दूसरे को मारने को उतारू हो गए, और इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपने ही लोगों को मार रहे हैं। अमिताभ जी, अमेरिकन इकोनॉमी देखेगा कि अमेरिका का 30% इकोनॉमी है
वो डिफेंस रिलेटेड है जी। अमेरिका का सबसे बड़ा जिसको कहा जाता है बेसिक बटर ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि खाने में घी या बटर के बिना कुछ नहीं बन सकता, वैसे अमेरिका का बटर ऑफ द इकोनॉमी इज द डिफेंस इंडस्ट्री। डिफेंस इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से डिक्लाइन होते जा रहा है, अमेरिकन इक्विपमेंट बहुत महंगा हो गया है, दुनिया खरीदती थी अब नहीं खरीद रही है, कंपटीशन में फ्रांस रशिया चाइना तीन मेन कंटेंडर्स हैं, यूरोपियन यूनियन भी थोड़ा सा, ब्रिटिश और इटालियन भी। तो अमेरिकन इंडस्ट्री 30% जो है अगर वो स्टेलमेट में आ जाए या डिक्लाइन कर जाए तो पूरे अमेरिका की इकोनॉमी अफेक्टेड हो जाएगी। जो सुपर इकोनॉमिक सुपर पावर है इट विल वो चाइना उसको ओवरटेक कर लेगा। इसीलिए डिफेंस इंडस्ट्री को अमेरिका को पुश करना ही है, चाहे भले अपना पैसा लगा के लोगों को बेच दे। मतलब कि 2000 रुपये का प्लेन अगर 25 रुपये में यूक्रेन को दे रहा है, इसका क्या मतलब है? एट ए कॉस्ट ऑफ 1% ऑफ द वैल्यू जो ट्रेड है, अमेरिका फ्री नहीं देता है यूक्रेन को, लेकिन हाँ $1 बिलियन का F-25 जो है प्लेन वो $100 में देता है। तो करीब अमेरिका में 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, स्टेट का अपना ही पैसा जनरेट करके, क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री है, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक है, बोइंग है, बहुत सारे कंपनी है, लॉकहीड है, उनमें करीब 50 लाख आदमी काम करता है। कुछ तो बनाएंगे ही, बनाने को तो बेचना ही है। तो इसमें अमेरिकन रोटी का सवाल है, इफ अमेरिका अपना डिफेंस इंडस्ट्री उसका अगर डाउन हो गया तो वर्ल्ड वाइड रिसेशन हो जाएगा। कोई नहीं चाहता है, लोग चाहते हैं अमेरिकन इंडस्ट्री मिलिट्री इंडस्ट्री बढ़ता रहे, लेकिन अब अमेरिकन चीज कोई खरीद नहीं रहा है क्योंकि बहुत महंगा हो गया, डॉलर बहुत महंगा हो गया। यही एक वन ऑफ द बेसिक रीजंस ऑफ अमेरिका इंटरफियरिंग इनटू वर्ल्ड अफेयर्स, जहाँ बहुत बड़ा धक्का लगा है अमेरिका को बांग्लादेश में इंटरफियर करके, यूक्रेन में भी किया है लेकिन कोई सॉल्व नहीं कर पाए। ऐसा क्या उन लोगों ने किया कि ये दोनों लड़ गए? देखिए ज़ेलेंस्की, यूक्रेन में ज़ेलेंस्की जब प्रेसिडेंट बना उसको 3-4 महीने के बाद, तीन बार 4 महीने में करीब दो बार गया वॉशिंगटन, एक बार कहीं लंदन में भी मीटिंग हुई, वहां पर एक एक हफ्ता का इनको आइडियोलॉजी ट्रेनिंग मिली, कैसे करो वैसे करो, ये सब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट करो, वी आर एट योर बैक, पहले कहो कि नेटो ज्वाइन करेंगे, पहले उसके बाद बोलो कि रशियन जो डिजाइंस है सो बहुत इनफेक्टिव है हमारे इंडस्ट्री के लिए, हम लोग को नए ये चाहिए, वी कैन नॉट बी रशियन डिपेंडेंट, ये सब आइडिया सब दिया गया, उसके दिमाग में भर दिया गया, धीरे धीरे कल्टिवेट किया गया, धीरे धीरे यूक्रेन के ज्यादा लोग मानने लगे। उसको कहा गया कि तुम्हारे माँ बाप अच्छे नहीं है, माँ बाप को छोड़ के हमारे पतले बच्चे बन गए, एनोलॉजी यही कहा गया। तो यही लड़ाई हुई, लड़ाई का कोई कॉज ही नहीं था, दोनों का सेम प्रिंसिपल है, दो सेम लैंग्वेज है, सेम फैमिली है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था गंगा के नॉर्थ और गंगा के साउथ छपरा नारा के बीच में, वैसा ही समझिए कि लेकिन कितना झगड़ा किए, इंडिविजुअल लेवल में झगड़ा कर सकते हैं, किसी का चाचा किसी का मामा किसी का साला मनो इधर हो सकता है, झगड़ा कर सकते हैं, बेसिकली फैमिली और कल्चर तो एक ही है तो नहीं ब्रेक कर सकते, नहीं ब्रेक हुआ कल्चर। हिंदुस्तानी लोग एशिया के जो लोग हैं कल्चर को कल्चरली इतने वीक नहीं है कि एकदम सब कुछ तहस नहस करके सत्यानाश करके दूसरा तरफ चले, सेंसलेस वॉर है।
वॉर है या मोर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड लेस ऑफ वॉर है. अमेरिका ने स्टार्ट किया था, इट विल हैव टू फिनिश. कोई जरूरत नहीं थी लड़ाई की, स्टार्ट किया था वो. अब लोग अमेरिकन मानेंगे कब उन्होंने स्टार्ट किया था? कभी नहीं माना. इराक में जबरदस्ती लड़ाई कर दिया, लीबिया में भले चाहे जितना खराब हो जबरदस्ती उस कंट्री को उलट दिया. अर्जेंटीना, चिले, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया सब जगह उलट फेर कर दिया. कनाडा में भी करते हैं, इंग्लैंड में भी करवा दिया, यूरोप में भी करवा रहे हैं, लेकिन क्या फायदा? कुछ तो नहीं चेंज हुआ, न रशिया का कुछ चेंज हुआ, न यूक्रेन का कुछ चेंज हुआ. खाली आदमी बीच में मर गए और अमेरिकन इंडस्ट्री चलता रहा. चाइना काल शेट्टी साहब कुछ बोलना चाहेंगे? जी जी. काल शेट्टी साहब बहुत दिन बाद आए. नहीं सर अच्छा सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ. बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं और ये लोग बहुत स्टडी करते हैं. नहीं देखिए, हम एवरेज बोलते हैं. जब सब लोग जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ लोग सर्कल में, हम लोग अपना खुद भी डिस्कस करते रहते हैं. इंडिया का पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, बाहर का करते हैं. आजकल तो यही सब चल रहा है जोर से. किसी के पास कोई एग्जैक्ट रीजन और सॉल्यूशन दोनों पता नहीं कि क्यों स्टार्ट हुआ लड़ाई और कैसे खत्म होगी. किसी को पता नहीं, किसी को कोई चाहिए कि कोई आके कहे कि ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं है. किसी की मध्यस्थता नहीं चाहते. सबसे पहले इज़राइल ने मध्यस्थता की कोशिश की थी पिछले साल, क्योंकि ज़ेलेंस्की है वो जो है. और इज़राइल है सो रशिया से दुश्मनी नहीं है उनको. आइडियोलॉजिकली कभी भी इज़राइल रशिया का केस में नहीं बोलता है, रशिया इज़राइल का केस में नहीं बोलता है. क्योंकि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी तो सिर्फ रशिया ही एक कंट्री था जो बचे खुचे जूस को कहा था कि हमारे घर में आके रहो. उनको अलग स्टेट बना के दिया जो अभी तक है. वहां से लोग आगे निकल गए हैं. और बर्लिन के कैप्चर में, हिटलर को मारने में, हिटलर को कैप्चर करने में रशियंस का हाथ था. टू अवेंज द टॉर्चर ऑन जूस, ये अमेरिकन कभी नहीं बोलते हैं कि हमने जूस को बचाया. उन्होंने वो कहते हैं कि हमने यूरोप को बचाया है, हम लोग वाइट आदमी को बचाया है, हम लोग सेंट्रलिस्ट आदमी को बचाया है. लेकिन रशिया हरदम कहता है कि हमने जूस को बचाया. इसलिए इज़राइल है सो रशिया के बारे में कभी कुछ नहीं बोलेगा. अगर इज़राइल और रशिया का आपको रिलेशन जानना है तो आप नवंबर से फरवरी के महीने में गोवा चले जाइए. बिगेस्ट मिक्सचर, बिगेस्ट कार्निवल ऑफ रशियन ज्यू मीटिंग्स इन गोवा. ये तो मेरा एक साइड व्यू है. इसीलिए लड़ाई हुई है, फैक्ट है. जितना बड़ा दिखलाया गया है कि दुनिया में ये हो गया, पूरा वर्ल्ड वॉर के करीब पहुंच गया है. 11,000 कोई बहुत बड़ी कैजुअलिटी नहीं है. आर्मामेंट्स खूब बर्बाद हुआ, खूब प्लेन है, बम और क्या क्या इतना खर्चा हुआ है. तो खर्चा हुआ तो इकोनॉमी सस्टेन कर रही है उसको. नहीं खर्चा होता तो अमेरिका के पास नया प्लेन बनाने के लिए F-35 जो है $1 बिलियन का एक हवाई जहाज है. गए हैं राजनाथ सिंह वही खरीदने अमेरिका के जाल में फंस गए. $1 बिलियन आप समझ नहीं सकते कितना हुआ. एक प्लेन $1 बिलियन, उसको 4,600 प्लेन खरीदना चाहते या 40 या 4 या 10 कुछ पता नहीं. बातचीत अखबारों में तो था ये.
अमेरिकन्स ने ऑफर किया है F-35 F-35 जो होता है कॉम्बिनेशन एट 10% ऑफ द प्राइस 90% टू बी पेड ओवर 20 इयर्स 10% दे दो 90% भगतते रहो। बांग्लादेश को भी यही ऑफर किया था तो F-35 F-25 नहीं ऑफर किया था उनको F-16 ऑफर किया था कि हमें सेंट मार्टिन आइलैंड दे दो। शेख हसीना तो यही कहती है लेकिन रियलिटी कोई नहीं जानता है क्या हुआ। ये सब इंटरकनेक्टेड है, जहां जहां अमेरिकन घुसता है ना वहां पर मार काट लड़ाई हो जाती है। वियतनाम हुआ, हंगरी हुआ था 1955 में, और लैटिन अमेरिका में, हम तो लैटिन अमेरिका में 4-10 साल रहे हैं तो वहां को देख चुके हैं कितना अमेरिकन से हेट्रेड है। अमेरिका का हर कंट्री में गवर्नमेंट चेंज करवाया, कैरिबियन में वेनेजुएला, मेक्सिको, ब्राजील, तो अमेरिका लीड्स। मेरे भी दो बच्चे हैं, दोनों अमेरिका में रहते हैं, दोनों अमेरिकन सिटीजन हो गए, क्या बताएं। लेकिन रियलिटी यही है, अमेरिका वांट्स टू लीड बट द पाथ टू दैट ग्रेटनेस इज नॉट क्लियर राइट नाउ। अमेरिकन पावर जो है सो प्लेटो पर हो गया है, दूसरे कंट्री के पावर जो है वो बढ़ ही रहे हैं, चाइना का बढ़ रहा है, इंडिया का भी चाइना के पीछे पीछे बढ़ ही रहा है। बोथ चाइना और इंडिया राइजिंग एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिका। रशिया जहाँ पर था वहीं पर, पहले भी नंबर टू था, अभी भी नंबर टू, और नंबर टू ही रहेगा। भले नंबर वन चाइना हो जाए, नंबर वन इंडिया हो जाए, लेकिन रशिया नंबर टू रहेगा दुनिया में अगले 100 साल तक। तो आप लोग को कुछ मेरे आइडियाज, मेरे जो हमने आइडियाज प्रेजेंट किए उसके बारे में कुछ पूछना हो, कुछ क्रिटिसिज्म हो, क्रिटिसिज्म मैं तो जो बात मैंने कही है दूसरों को अपने दोस्तों से करता हूँ तो बड़ा गाली देते हैं कि तुम एकदम ये हो गया। डॉम दुर्जवी एक कॉन्सेप्ट है जो रशियन जानते हैं, वर्ड है डॉम दुर्जवी, रशियन हाउस। ये क्रुश्चेव के टाइम में स्टार्ट हुआ था, निकिता क्रुश्चेव के टाइम में 53 में एक हाउस बना था, हाउस ऑफ कल्चर, उसका नाम रखा गया हाउस ऑफ फ्रेंडशिप। वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो यू आर सपोज टू बी प्रो लेफ्टिस्ट, नॉट लेफ्टिस्ट बट प्रो लेफ्टिस्ट, नॉट प्रो चाइनीज। हम उसके मेंबर हैं, जैसे जयशंकर मुझसे 4 साल जूनियर हैं, वो भी उस डॉम दुर्जवी के कैंडिडेट हैं। हम लोग रशियन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियरली समझते हैं क्या। तो मेरा कुछ व्यू प्रो रशियन आपको लोगों को लगेगा, हम तो समझते हैं कि यही करेक्ट है, क्योंकि अमेरिका को कोई क्लियर लीडर ऑफ द फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। लीडर वही होता है जो सब लोग अपने दिल से सपोर्ट करते हैं। जो कंट्री था, दो कंट्री बांग्लादेश और पाकिस्तान, दोनों अमेरिका के पॉकेट में थे, दोनों अमेरिका के पॉकेट से निकल गए। अमेरिका ने इतना किया बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करके, ये करके जो अभी प्रेजेंट जो पॉपुलेशन वहाँ है अब एंटी अमेरिका हो गई पिछले 10 दिनों में। दे कैनॉट विदस्टैंड अमेरिकन्स। अमेरिकन्स ने करवाया, ये जो शेख हसीना को वहाँ से भगवाया अमेरिकन सेंट आइलैंड के चक्कर में। दुनिया का यही चल रहा है, ऊपर नीचे, हम लोग बस आराम से देखते रहिए इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में बहुत बहुत टसल हो रहा है, टसल लेफ्ट एंड राइट का टसल। हम तो इंडिया में, जैसा हमारे एक फ्रेंड है बहुत गुणी है,
वो कहते हैं कि इंडिया में लेफ्ट राइट नहीं होता है, लेफ्ट राइट बीच में होता है चोर। इंडियन पॉलिटिक्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, राइटिस्ट जो आज के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा सकता है बीजेपी है, लेफ्टिस्ट जो कहा जा सकता है कि इंडिया अलायंस है, लेकिन थर्ड ग्रुप जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो चोरों का ग्रुप जो किसी साइड में घुस सकता है, दोनों को बर्बाद कर सकता है। ये इंडिया का टिपिकल इट इज आर क्या कहता है आर इन्वेंशन और वट एवर इट इज वी आर, कि हमारे यहाँ जो चोरों का जो प्रपोर्शन है वो तो काफी है। सोसाइटी शायद वन थर्ड डिवाइड हो गई हो। अब चोरों का नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, आप लोग अपना दिमाग लगाए किसी को भी चोर समझ सकते हैं, कि हम समझते हैं कि इंडिया में ही है तीन पार्टियां, पॉलिटिकली कर रहे हैं इकोनॉमिकली नहीं कर रहे, एक लेफ्टिस्ट है एक राइटिस्ट है और एक चोरिस्ट। डॉक्टर विद्यानाथ झा जी कुछ बोलना चाहते हैं? विद्यानाथ झा जी नहीं वो गलती से हो गया था, ठीक है। कुछ बोलिए सर, आप भी तो बहुत बड़े विस्तार हैं। इसमें अब ये हम लोगों का डोमेन है भी नहीं, लेकिन फिर भी हम सुन रहे हैं, इतना लंबा अनुभव है और सारी बातों को अपने अनुभव से रख रहे हैं, तो हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। हम लोग तो देश के भीतर में अपना जो विषय है उस पर मंथन करते रहते हैं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय बातें हो रही हैं, बहुत इंटरेस्ट से हम सुन रहे हैं इस बात को, अच्छी बात हो रही है, बहुत अच्छी बात। मैं तो कह रहा हूँ अपने आइडिया से कह रहा हूँ, सब लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, किसी को क्लियर कोई नहीं दिख रही कि यही होना चाहिए दुनिया में। नहीं, राममोहन सर जो इतने अच्छे से बताए पर्दे में जो बोले, जो लास्ट में बोले हैं वो एकदम सच्ची बात है, मतलब पर्दे में सब कुछ बोल दिए वो, और मैं भी पर्दे में ही रखना चाहता हूँ। एक मैं राममोहन जी की बात को मैं थोड़ा सा पर्दा हटा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव है, ये जो पार्टी को खड़ा किया दाऊद इब्राहिम, अखिलेश यादव के पिता श्री मुलायम सिंह यादव ही वाज ए स्कूल टीचर, वो मुस्लिम का बाबर मस्जिद उठाने के लिए फंड दिया, पैसा दिया मुलायम सिंह को, तब वो खड़ा हुआ। तो ये जो सर बोले थे चोरिस्ट पार्टी, एकदम बहुत अच्छा वर्ड आविष्कार किया है। तो मैं भी खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, राहुल गांधी जो उछल रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है, और तो और जस्ट मैं राममोहन जी के परमिशन से मैं थोड़ा सा पर्दा हटा रहा हूं, स्विस बैंक से निकाल के सोनिया गांधी अपना पैसा चाइनीज बैंक में रखी। अब चाइनीज बैंक में अब चाइनीज बैंक मतलब जिंगपिंग का, सोनिया गांधी कठपुतली हो गई, उसका सारा पैसा वहां फंस गया है, और स्विस बैंक में सोनिया गांधी का भी एक सर्टेन पोर्शन अब पैसा फंसा हुआ है। और जैसा कि अभी ट्रेंड चल रहा है, बीजेपी की सरकार अभी रहेगी तो जो स्विस बैंक में जो बचा कुचा पैसा है वो अब सोनिया गांधी भारत सरकार के नए रूल के तहत नहीं निकाल पाएगी, वो भी उनका डूब जाएगा। तो एक तरह से आप ऐसा समझिए कि सोनिया गांधी का पैसा चाइना में भी डूब गया है, क्योंकि चाइना में भी अब बैंक से पैसा निकालने के लिए आपको चाइनीज गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा खर्चा पानी करने के लिए। तो सोनिया गांधी अपने आप पैसे, मैं ये सब भितरिया बात सब बोल रहा हूँ, अपने आप चाइना के चंगुल में चली गई है स्वतः। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं इतना ही इशारे में कह सकता हूँ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। विनोद जिंदल मैम आपका क्या रिएक्शन है? विनोद जिंदल मैम एक ही कंट्री के जो रशिया यूक्रेन लड़े जा रहे हैं, और हमारे एम्बेसडर ज्ञानी राममोहन जी की, हाँ राममोहन जी के नजर में वो झूठ मूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों का जान और
संपत्ति को नष्ट करें। कल आप इथिक्स एंड वैल्यू पर बोले, इस बात पर कितना इथिक्स है सर? जी सर, राम मोहन जी ने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है, मेरा भी आजकल कुछ इंटरेस्ट रहता है, तो मैं जितने भी यूट्यूब पे अच्छे अच्छे विश्लेषणकार बोलते रहते हैं, और बाहर से दिखने में जो भी दिखता है, लेकिन जब तक हम अंदर बात नहीं समझते कि ये डीप स्टेट है जो सब काम चला रहा है, कर रहा है, और अमेरिका का कितना नेगेटिव चल रहा है, तो उस पर सारा इन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण करके सब समझाया हमें, इनके अनुभव से बहुत ही अच्छा रहा। मेरे को सिर्फ दिमाग में जो एक था, जो कहा कि मोदी को अब जो नोबेल प्राइज मिलेगा नहीं मिलना चाहिए, मैं कहूंगी कि उनको मिलेगा ही नहीं, तो ये है नोबेल प्राइज उसको तो इनके डिक्टेट के हिसाब से चलने के लिए तैयार होता है, और मोदी ऐसे चलने को तैयार नहीं होगा, इसलिए मोदी को कभी भी ये नहीं देंगे। ये मेरा एक विचार है। और दूसरा ये है कि ये जो सारा अमेरिका वगैरह कर रहे हैं, जैसे इन्होंने खुद कहा है, कैसा नेगेटिव रोल है, देखना हमें यही है, जहाँ जहाँ पे जो जितनी पार्टीज हैं, कौन सी पार्टी या कौन सा जो ग्रुप है या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो मानवता के हित के लिए, हमें उसी के फ्लरिश होने के लिए कामना करनी चाहिए, और कौन है उनको पहचानना भी चाहिए, और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी ध्वस्त हो। वो तो है ही कि जैसे है धर्मा प्रोटेक्ट धर्मा एंड धर्म प्रोटेक्ट यू, तो धर्म के साथ तो चल रहे हैं, होना ही है, और मानवीय, लेकिन ये सब जो हम देख रहे हैं उसमें बहुत अशांति हो जाती है अगर हम लोगों को ठीक से पहचानने की कोशिश ना करें, क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हैं ये सब, तो वो क्यों, जब अब कुछ हद तक समझ में आ जाए तो हम जो है, ये तो सुदर्शन चक्र है ना, तो राइट को भी उसके चक्र चलती है, लेफ्ट भी चलना जरूरी है, लेफ्ट को जब चलती है तो राइट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो मेरा तो यही है, मोहन जी बताएंगे। बहुत अच्छा मैडम, हम आपकी बात से 100% सहमत हैं। मैं भी कोई प्रो मोदी नहीं हूं, लेकिन राम मोहन जी की बात से ही मैं थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके बोल रहा हूँ। ये जो नोबेल प्राइज वाली बात है, नोबेल प्राइज में ये जो ये इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेशनल सिचुएशन, क्योंकि अमेरिका जो अफगानिस्तान से भागा, हार के भागा, वियतनाम से भागा, तो ऐसा कुछ यदि सिचुएशन बनता है और रशियन यूक्रेन वार बंद होता है, तो मैं आई एम रिपीटिंग, तो किसी का कोई ऐसा सर्कमस्टांस बन सकता है कि मोदी जी को नोबेल प्राइज मिल सकता है। आई रिपीट रादर रिट्रेट, कुछ ऐसे सिचुएशन बनेंगे कि मोदी जी को नोबेल प्राइज मिल सकता है, नहीं मिलना चाहिए, मैं वो नहीं कर रहा हूं। इंटरनेशनल जो सिनारियो है, अभी कमला हैरिस हारेंगे कि जीतेंगे कहना मुश्किल है। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, तो सारा चीज अभी, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर थोड़ा सा हट के बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअली बोल रहा हूँ, जो अपने हिमालय में भी कुछ ऋषि महात्मा हैं जो संसार को चला रहे हैं सारा चीज, ये थोड़ा सा मैं अलग एक अलग डायमेंशन से बोल रहा हूँ, तो हमको ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आफ्टर बहुत सारी चीजें गहराई में जाने के बाद, कि ये अमेरिकन इलेक्शन के बाद रशियन यूक्रेन वार बंद होगा और मोदी जी को नोबेल प्राइज मिलेगा, नंबर वन। ये मेरा स्पेकुलेशन है, आई एम नॉट एनालिसिस। थैंक यू मैडम। जरूर हम इस चीज की जरूर कामना भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो आप कह रहे हैं है ना, उस तरीके से कुछ बात बन जाए तो यस बहुत अच्छी होगी, और इसकी हम कामना भी कर सकते हैं, और बाकी ठीक है, सब लोग तो नहीं होता है,
लेकिन चीजों को ठीक से समझ लेना खास क्योंकि नहीं मैडम क्योंकि एक बात निकल के आ रही है। नहीं मैडम राममोहन जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोले हैं तो मैं उसी से बोल रहा हूँ। हिंदुइज्म आपका रशिया में फैलेगा, रशिया में हिंदू लोगों की रादर सपोर्ट मिल रहा है, ये सब हिडन कुछ एजेंडा सब अपने आप हो रहा है, ऐसा कोई आदमी नहीं कर रहा है, कोई एजेंसी नहीं कर रहा। तो लाइक वाइज आई मीन बहुत सारी चीजें अपने आप हो रही हैं। तो रशिया जो राम मोहन जी बिल्कुल सही बोले, रशिया के बारे में जो भी बोले एक एक बात उनका अक्षर सच है, और इंडिया भी ग्रो करेगा और हिंदुइज्म भी ग्रो करेगा। और मोदी जी मे गेट नोबेल प्राइज, और ये वार रुकेगा 2025 तक ये रुकेगा, और कुछ चाइना इंडिया में फिर वार की संभावना है, ये 2025 की बात कर रहा हूँ। थैंक यू। एक बात मैं फिर आना दो मिनट कहना चाहता हूँ, ये नोबेल प्राइज जो है इंग्लिश में एक वर्ड होता है कि आपको गाजर दिखलाया जाता है, खरगोश को गाजर दिखलाया जाता है कि ये गाजर है, आ जाओ इस तरफ मेरी तरफ। बिल्कुल सही। ये नोबेल प्राइज जो है ये वेस्ट का गाजर है मोदी जी के लिए। यस सर, ही शुड नॉट एक्सेप्ट इट, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है। सर आपने बिल्कुल वही बात मेरे ही, मैं सर आपसे सहमत हूँ सर, उसी को आपने अपने शब्दों में। नोबेल प्राइज से क्या होता है, इज्जत कहाँ बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी वही वेस्ट में, ईस्ट में चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता है या रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया में किसी को नहीं फर्क पड़ता है। ये अमेरिकन या अमेरिका वेस्ट को तो मैं एक ही तरह से डील करता हूँ, ये मोदी जी को लालच दिखला रहे हैं कि किसी तरह से लड़ाई बंद करवा दो, तुमको नोबेल प्राइज दे दो बस। ठीक है, अब इसको मोदी जी कैसा लेते हैं वो उन पे है, लेकिन ही विल नॉट बी ए पॉपुलर पर्सन की नोबेल प्राइज लेके सबका दिल जीत लिए, वो नहीं होगा। अच्छा रामोहन जो है अभी अभी जो रशिया गए थे और रशिया यूक्रेन के बारे में उस संबंध में उन्होंने जो प्रयास किया, क्या कुछ अच्छा प्रयास किया, और नंबर वन उस प्रयास का क्या प्रभाव पड़ा, क्या वास्तव में इन दोनों के संबंध में मोदी के प्रयास से क्या शांति आने की उम्मीद है, नंबर वन। नंबर टू, क्या उसके लिए ग्राउंड इतना बड़ा बन जाता है कि मोदी जी को नोबेल प्राइज भी मिल जाए और ये दोनों लड़ने वाले देश लड़ाई भी छोड़ दें। फेस फेवर हो सकता है, लेकिन देखिए रशिया को पुतिन ने मोदी को यही कहा होगा, जो करना है कर लो लेकिन मेरा स्टैंड तो वही रहेगा, Russians will follow its own policy, whether you like it or not, हमको यूक्रेन से उसको अमेरिकन साइड में नहीं जाने देंगे, we will use any method, method clean or foul, both. इसलिए मोदी जी has very little influence on Putin. He can influence the Americans or in other words Zelensky, but I don't think he can change Putin, nor Modi ji wants Putin to change. Agar Putin change ho jayega to fir unka personal value kya hoga? To iska matlab ki in dono mein shanti karane mein Modi ji ka prayas bahut zyada safal nahi hua. नहीं सर, वो जो मोदी जी रशिया गए ना, अमेरिका गुस्सा गया, राधर बौखला गया, और इसीलिए मोदी जी वहाँ कुछ कमिटमेंट नहीं किए, अपना वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेके चुपचाप चले आए। जो रामोहन सर बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। ये बहुत अच्छा डिस्कशन लग रहा है आपको। नहीं नहीं अच्छा डिस्कशन तो है यार। अच्छा मैंने कहा, हाँ बोलिए, एक पॉइंट और उठा था भी कि इंडिया चाइना में वॉर हो गई, मेरा भी ख्याल है, मेरे बहुत दोस्तों फॉरेन सर्विस के पुराने फॉरेन सर्विस वाले, नए वाले नहीं, पिछले 20 साल से पहले वाले जो,
उनका भी ख्याल है कि इंडिया और चाइना में भी एक लड़ाई होनी और जरूरी है, नहीं होगा तो ये झगड़ा चलता रहेगा। लड़ाई जो होगी उसका कोई डिसीजन नहीं निकलेगा, ये भी एक सर्टेनिटी है। इंडिया चाइना में लड़ाई होगी, स्टेलमेट हो जाएगा या सीज फायर हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स जो इंडिया और चाइना के बीच में है वो खत्म हो जाएगा। अभी जो सस्पिशन है चाइना और इंडिया में, चाइना चाहता है इंडिया को कैप्चर करना, अरुणाचल प्रदेश कैप्चर करना चाहता है, चिकन नेक से घुसना चाहता है, भूटान तो ऑलरेडी उनके पॉकेट में है, नेपाल तो उनके पॉकेट में ही है, तो इसलिए लड़ाई की जो तैयारी है इंडिया जितना तैयारी कर रहा है चाइना के लिए कर रहा है। पाकिस्तान में मौते की 2025 तक रहेगा कि नहीं पता नहीं, इसीलिए पाकिस्तान को भूल जाइए, अब चाइना पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। लड़ाई होगी, वर्ल्ड वॉर नहीं होगा लेकिन मेजर लड़ाई होगी। अच्छा, इसके बिना देखिए एडवर्सरी जो है ना कभी लड़ना ही पड़ता है, इतना ज्यादा सस्पिशन पर जीने से उससे अच्छा है कि लड़के जो है डिसाइड करना है कल, लड़ाई नहीं होगी, स्टेलमेट हो जाएगा, उसके बाद वर्ल्ड पीस हो जाएगा, लोग यही कहते हैं। सर ये कोई फोरकास्ट है या उस पर क्या किसी का भविष्यवाणी किया हुआ है? नहीं, फोरकास्ट नहीं मैडम, ये स्पेकुलेशन है, क्योंकि बॉर्डर पर चाइना भी अपना बदमाशी कर रहा, मतलब मैं बदमाशी इन सेंस बोल रहा, पूरा मिलिट्री का बंकर उकर बना रहा है। इवन पीओके में हमें चाइनीज आर्मी सिविलियन ड्रेस में वहां पर पहुंच के अपना काम कर रही है, क्योंकि उसको सीपैक का चिंता है। जो राममोहन सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाइना बाज नहीं आ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, चाइनीज को अपना पावर दिखाना है, अपने देश को बांधना है, इसीलिए वार करेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और जब तक उसको थोड़ी करारी मारनी पड़ेगी तब तक वो चैन से बैठ नहीं पाएगा। हाँ, पाकिस्तान पाकिस्तान के विषय में क्या कहा आपने? 2025 तक, 2025 में हम समझते हैं कि अगले 6-7 महीने साल भर में पाकिस्तान का स्वाहा हो जाएगा। बलूचिस्तान बनना ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया, आज पता नहीं कब तक रियलिटी में, कब तक 2-3 महीने में हो जाएगा। अच्छा, जहां पाकिस्तान अब उनको